A very warm welcome to all of you, dear friends. आप लोग का मेरे YouTube चैनल Gothrough Fine Art में बहुत स्वागत है. दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें. आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें अपना. और ये सब प्रीवियस ईयर के कुछ नॉट प्रीवियस ईयर प्रीवियस वीडियो है जो कल परसों तरसों इस तरह से मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ. तो ये सब अगर आपने चेकआउट नहीं किए हैं तो चेकआउट करें. और मैं प्लेलिस्ट भी बनाती हूँ कि ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो. डीएसएसबी के ओल्ड पेपर के मैं एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ, एनटीए नेट की प्लेलिस्ट बना दी हूँ, ये जो वीडियो मैं हर दिन अपलोड करती हूँ उसका एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ, केबीएस के पेपर का प्लेलिस्ट बना दी हूँ. तो उसे आप लोग ज़रूर चेकआउट करें. देखिए, नेट जेआरएफ केबीएस एनवीएस के लिए ये वीडियो बनाई हूँ. डीएसएसबी एचटीईटी आरपीएससी फाइन आर्ट ड्राइंग टीचर सभी के लिए हेल्पफुल करेगा जो भी मैं पेपर अपने तरफ से बनवाती हूँ. और ओल्ड पेपर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की ही हूँ. केवीएस की वैकेंसी आने वाली थी, अब देखिए कोरोना की वजह से आती हैं या लेट आती हैं. इनकार्नेशन ऑफ विष्णु सारा बताई हूँ. और आज हम फिर से शंखो चौधरी के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म बिहार में हुआ है. कल मैं शंखो चौधरी के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आई थी. अगर आपने उससे अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो चेकआउट कर ले. ये देखिए शंखो चौधरी का फेज है, कैसे दिखते थे वो, उनका पोर्ट्रेट है. उनकी वाइफ, शंखो चौधरी की वाइफ ईरा चौधरी, देख के समझ ही गए होंगे कि ये एक पॉटर है, सेरामिक आर्टिस्ट है, बहुत नाम है इनका. और आज मैं जैसे हमेशा हस्बैंड वाइफ को लेकर वीडियो लाती हूँ, आज नहीं लाई हूँ ईरा चौधरी को, क्योंकि यही शंखो चौधरी के ही काम को लेके डिस्कस करने में इतनी वीडियो लंबी हो गई है कि ईरा चौधरी के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी. तो वीडियो को अंत तक देखें और इंग्लिश वाले हिंदी वाले चिंता ना करें, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूँगी. शंखो चौधरी वाज वन ऑफ द फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस इन द चेंजिंग हॉरिजोन ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर. यानी कि शंखो चौधरी जो हैं एक मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर के लिए बहुत ही इन्फ्लुएंसेस पर्सन हैं. अंदर द ट्यूटिलेज ऑफ रंगिंकर बैज एट कला भवन शांति निकेतन. यानी कि ट्यूटिलेज मतलब हो गया उनके गुरु, उनके शिष्य. ठीक है, तो शंखो चौधरी जो थे रंगिंकर बैज के शिष्य थे, कला भवन शांति निकेतन में वो पढ़े हैं. और उन्होंने एक्सपेरिमेंट विथ मटेरियल एंड प्रोसेस पेव्ड एन अनएंडिंग स्कोप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अनकन्वेंशनल मीडियम्स इन टू द फील्ड विच फ्रॉम 19th century ऑनवर्ड्स वॉज डोमिनेटेड बाई वेस्टर्न क्लासिकल मॉडलिंग मैथड्स. इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने बहुत सारे मटेरियल में एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे मीडियम्स को उन्होंने अनकन्वेंशनली इंट्रोड्यूस किए हैं. ठीक है, काम देखेंगे तो उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से मीडियम का उन्होंने यूज किया है किस में. और 19th century ऑनवर्ड्स उन्होंने उनके काम में वेस्टर्न क्लासिकल मॉडलिंग मेथड्स को भी देखा गया. यानी कि वेस्टर्न के जो मेथड्स थे उसे उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए हैं. और 19th century के टाइम पे वो उन्होंने मीडियम का बहुत ज़्यादा यूज किए हैं, जैसे कि उन्होंने स्टको वगैरह सीट सभी देखे. यहाँ पे अभी आएगा तो ही रिगरसली एक्सपेरिमेंटेड विथ सीमेंट वुड मेटल प्लास्टर स्टको वेल्डिंग एल्यूमिनियम सीट्स एक्सेट्रा. यानी कि उन्होंने इतने सारे मटेरियल में एक्सपेरिमेंट किए हैं, सीमेंट वुड मेटल प्लास्टर स्टको वेल्डिंग एल्यूमिनियम सीट्स. इंडिकेटिंग द टर्न ऑफ टाइम एंड इंडस्ट्री रिमार्केबली एक्सपेंडिंग द मटेरियल ओरिएंटेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर. यानी कि जैसे कि इंडस्ट्री की बात हो रही है कि उनका टाइम चेंज हुआ, तो उन्होंने कैसे एक स्कल्पचर को देखे. और उनका जन्म बताया गया कि 1916 में संथाल पारगंज ऑफ बिहार में हुआ है. ये कल मैं अपने वीडियो में भी मेंशन की थी. हिज एंगेजमेंट विथ ट्राइबल फॉर्म्स एंड मटेरियल कल्चर वॉज प्री डोमिनेटेड इन हिज वर्क्स. यानी कि उनके काम में ट्राइबल फॉर्म्स और मटेरियल को बहुत ज़्यादा देखा गया है. उनके काम में ट्राइबल फॉर्म का एंगेजमेंट हम देख सकते हैं. ही कम्प्लीटेड हिज डिप्लोमा इन स्कल्पचर इन 1945 एंड देन ट्रेवल टू नेपाल विथ रामकिंकर बैज टू असिस्ट हिम टू बिल्ड ए वॉर मेमोरियल. तो कल मैं ये बताई भी थी कि उन्होंने जो बैचलर किए हैं डिप्लोमा स्कल्पचर में, उन्होंने वो 1945 में
कंप्लीट किए और फिर उन्होंने रामकिंकर बैच जो उनके गुरु रहे थे उनके साथ वो नेपाल ट्रैवल किए, किसके लिए, उनको असिस्ट करने के लिए। एक काम उन्होंने वहाँ पे वॉर मेमोरियल के ऊपर उन्होंने एक काम बनाए थे, उस काम में शंखो चौधरी ने रामकिंकर बैच को असिस्ट किए थे। ही इन 1949 ही ट्रैवल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ यूरोप एंड एक्सपोज हिमसेल्फ टू वेरियस स्कूल्स ऑफ आर्ट। 1949 के बाद यानी कि 1949 से ही उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, जहां उन्होंने यूरोप में विजिट किए, ट्रैवल किए और फिर वहां के स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किए। कहने का मतलब विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से इन्होंने फॉरेन में भी अपना बहुत योगदान दिए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं, बहुत जगह विजिटिंग फैकल्टी में रहे हैं, जैसे कि इन्होंने BHU में भी विजिटिंग फैकल्टी मेम्बर के हिसाब से, प्रोफेसर के हिसाब से थे। बट ही डिडेंट अलाउ हिज प्रैक्टिस टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई ए डिस्टिंक्ट स्टाइल। कहने का मतलब इन्होंने कभी भी अपने काम में एक प्रॉपर स्टाइल को कैरी नहीं किया कि मुझे अब यही काम करना है, इसी स्टाइल में करना है और कोई स्टाइल में नहीं करना है। तो इस चीज़ से वो कभी भी बंधित नहीं थे, वो अपने स्टाइल्स को कभी भी डिस्टिंक्ट नहीं किए। हिज सिंप्लीफाइड फॉर्म्स, हिज बोल्ड कंटूरिंग एंड हिज प्रोजेक्शन ऑफ डायमेंशनलिटी इज स्टिल रिगार्डेड एज यूनिक एंड एग्जेम्पलरी। यानी कि इनके जो फॉर्म्स हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं, बोल्ड कंटूरिंग है, ऐसा दिखाया गया है। वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। शंखो चौधरी वाज ऑल्सो ए प्रोलिफिक ब्यूरोक्रेट व्हेन इट केम टू स्प्रेड हेडिंग मल्टीपल आर्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। ही वाज इन्वाइटेड टू टेक चार्ज ऑफ द स्कल्पचर डिपार्टमेंट ऑफ MS यूनिवर्सिटी इन बड़ौदा वेयर ही ज्वाइंट एज ए रीडर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन 1949, जो कि मैं कल आप लोगों को मेंशन की थी कि वो MSU के हेड भी रहे हैं और डीन भी रहे हैं। इन अबाउट 17 ईयर्स ही सुपरवाइज द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एज इट्स डीन एलोंग विथ वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबल मेंबरशिप पोजिशन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिल्ली अर्बन। तो ये आप पहला वीडियो देख ले, इसलिए मैं कल वो वीडियो बनाई और आज मैं इमेज को लेके वीडियो बनाई ताकि जो बंदे को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो वहाँ से सारा चीज़ रिकवर कर सकते हैं। ये इनका काम है, देखिए कितना ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एंड देन अलोंग विथ वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबल मेंबरशिप पोजिशन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिल्ली अर्बन कमीशन, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, फिफ्थ इंडिया त्रिनाले, इंडिया स्कल्पचर्स एसोसिएशन। ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली एंड क्रिएटेड घड़ी स्टूडियो इन 1976। यानी कि घड़ी स्टूडियो, घड़ी आर्टिस्ट स्टूडियो जो कि 1976 में क्रिएटेड हुआ है, वो शंखो चौधरी के द्वारा ही क्रिएटेड हुआ है। इसीलिए वो ललित कला अकेडमी के सेक्रेटरी भी रहे हैं दिल्ली में और ललित कला अकेडमी के चेयरमैन भी रहे हैं। हिज वाइफ एंड ए पायोनियरिंग सेरामिसिस्ट ईरा चौधरी हु ऑल्सो स्टडीड विथ हिम इन शांति निकेतन। यानी कि उनकी वाइफ जो कि ईरा चौधरी हैं वो भी सेरामिक्स्ट हैं, सेरामिक में काम करती हैं और वो भी शांति निकेतन में उन्हीं के साथ पढ़ाई की। रिकलेक्ट्स ग्रेजुअली शंखो चौधरी स्टार्टेड कलेक्टिंग क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। यानी कि वो क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। वेमेंटली कमेंटिंग ऑन द ट्राइबल्स नीड टू एम्बेलिश ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज अनलाइक सिविलाइज्ड अर्बन पीपल हु हैव लॉस्ट ऑल फीलिंग्स फॉर द लुक ऑफ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि उन्होंने जो भी पुअर लोग थे, जो भी संथाली पीपल थे, जो भी क्राफ्ट्समैनशिप थे, उनको भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उसे यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स के रूप में उनकी फीलिंग्स को देखा गया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन बड़ौदा ही विजिटेड मेनी आदिवासी एरियाज इन गुजरात एंड ऑफन टुक स्टूडेंट्स अलोंग। यानी कि बड़ौदा में जब वो थे तो वो बहुत गुजरात में आदिवासी क्षेत्र में जाते थे अपने स्टूडेंट को साथ में लेके। सम ऑफ देम गॉट इंटरेस्टेड इन ट्राइबल आर्ट। उनमें से जो कुछ विद्यार्थी थे उन्हें ट्राइबल आर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा। बट देयर वॉज नो सिस्टम टू हिज कलेक्शन, एनीथिंग दैट ही लाइक कुड अफोर्ड और कुड बी कैरिड अवे फ्रॉम क्लासिकल ब्रॉन्जेस टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और किचन यूटेंसिल्स।
बट उस समय ऐसा कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था कि जहाँ पे हम उस चीज़ को कलेक्ट कर सकें क्लासिकल फॉर्म्स में, या फिर ब्रॉन्ज, या फिर इंस्ट्रूमेंटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर किचन यूटेंसिल्स, हम लोग उतना एफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। द बेस्ट ऑफ हिज ब्रॉन्जेस वर एक्वायर्ड बाय द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। तो उन शंखो चौधरी के जो भी बेस्ट काम है वो नेशनल म्यूजियम में है, और 90-80 के सारे काम जो कि हैं ब्रॉन्ज में ज़्यादातर उन्होंने किया है, और वो नेशनल म्यूजियम में है। जैसा कि ये भी आप देख रहे हैं, शंखो चौधरी अनटाइटल्ड मोना बेंद्रे काम का नाम है, और ये 1970 से 79 में बनाया गया है। 9 ईयर्स लगे हैं इनको ये काम बनाने में, और ये काम कब सेल हुआ है, दिसंबर 19, 2013 में जब ऑक्शन हो रहा था तब ये काम सेल हुआ है। तो सेलिंग डेट आप लोग को याद नहीं रखना है, आप लोग को काम का टाइटल याद रखना है, और जब ये काम क्रिएट किया गया था वो डेट याद रखना है। तो वो डेट है 1972-1979। शंखो चौधरी के अधिकतर काम फीमेल फिगर पे हैं, और अधिकतर काम अनटाइटल्ड हैं। ए स्टिंट इन तंजानिया अलाउड हिम टू ऐड अफ्रीकन ऑब्जेक्ट्स टू द कलेक्शन। जब ये चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि यूटेंसिल्स चीज़ है या फिर क्राफ्ट्स है, तब इन्हें तंजानिया ने अलाउ किया कि आप अपने कलेक्शन में अफ्रीकन ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, यानी कि IGRMS, इसका फुल फॉर्म हो गया द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ऑल्सो कॉल्ड द म्यूजियम ऑफ मैन, इज बिल्ट फ्रॉम ए जेनरस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द आर्टिस्ट। हिज स्कल्पचर्स वर फियर्सली एग्जीबिटेड अक्रॉस द कंट्री एंड एब्रॉड, एंड हिज आर्ट वॉज हाईली वैल्यूड बाय द पैट्रॉन्स। यानी कि इनके जो भी स्कल्पचर्स थे वो इंडिया में तो एग्जीबिट हुए ही, साथ ही साथ एब्रॉड यानी कि फॉरेन में भी एग्जीबिट हुआ, और इनके काम को बहुत ही हाई वैल्यू दिया गया। ये काम देख रहे हैं शंखो चौधरी का है अनटाइटल, इसका डेट है 1960। दूसरा काम है वो भी अनटाइटल्ड है, और यहाँ पे इनका डेट नहीं दिया गया, यहाँ पे इनका सेलिंग डेट दिया गया। तो सेलिंग डेट को आप लोग ध्यान ना दें, जब काम क्रिएट हुआ है उस डेट को आप लोग मेमोराइज करें। ऐसे हमें नहीं लगता है डेट याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ज़्यादा काम अनटाइटल्ड है। जो काम इनके टाइटल्ड हैं, जिनका नाम इन्होंने मेंशन किए हैं, उसका आप डेट याद कर लें। ये भी अनटाइटल्ड है और दूसरा काम भी अनटाइटल्ड है। देखिए कितने ही सिंप्लिसिटी फॉर्म है, और साथ ही साथ बोल्ड कंटूर हम देख पा रहे हैं इनके काम में, कितनी क्लीन। कुछ काम होता है कि बहुत भद्दा नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा क्लमजी, यानी कि हिंदी में भद्दा बोलना अजीब लगता है, बट आप क्लमजी बोलें तो सही लगता है, ओके। बट इनके काम में हम नीटनेस देख पा रहे हैं, सारे फॉर्म बहुत ही अलग अलग तरह से दिखाया गया है, उतना क्लमजी नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी, और जब हम काम साथ में लेके आए हैं तो बोर तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और अगर बोर हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर होके ही देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप क्या करेंगे। ये काम देखिए शंखो चौधरी का अनटाइटल्ड है, 1960 से 69 में इन्होंने बनाए हैं, और दूसरा काम है डक जो कि 1955 में बनाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि डक जो कृति है वो कौन से कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शंखो चौधरी, या फिर और भी 3-4 ऑप्शन दे दे, डग दे दे, एक बोंडेज दे दे, इस तरह से अगर कुछ नाम दे देते हैं अलग अलग आर्टिस्ट के और पूछते हैं कि इसमें से शंखो चौधरी का कौन सा काम है, तो डग आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है शंखो चौधरी का और भी काम है जो कि अनटाइटल्ड है, देख ही रहे हैं, और 4 नंबर काम देखिए शंखो चौधरी अनटाइटल्ड बर्ड फॉर्म जो कि 2006 में बनाया गया, दैट मीन्स कि ये काम इनका बहुत ही रिसेंट वर्क है। तो देखिए कैसे थोड़े से इनके फॉर्म चेंज हुए हैं, कैसे इन्होंने बर्ड को दिखाया है। ये भी अनटाइटल्ड है और दूसरा काम भी अनटाइटल्ड, कितने सिंप्लिसिटी फॉर्म, इसीलिए कहा गया है कि सिंप्लिसिटी फॉर्म और बोल्ड कंटूर को इनके काम में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। ये एक फॉरेन आर्टिस्ट हैं, इसो समथिंग नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इंस्पायर थे।
आशा करती हूँ कि शंखो चौधरी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कल मैं MCQs में भी 10 से 12 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाई थी कि उनको डीलिट की उपाधि मिली है कहाँ से, कब मिली है, सब बताई हूँ। पद्मश्री कब मिली, कहाँ से मिली। खैर, पद्मश्री तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये देखिए, शंखो चौधरी बर्ड, और दूसरा है शंखो चौधरी न्यूड। दोनों का ही डेट नहीं मेंशन है, सेल डेट मेंशन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेल डेट याद नहीं करना है। शंखो चौधरी अनटाइटल्ड एंड शंखो चौधरी अगेन अनटाइटल्ड। तो हो सकता है कि एक दो काम रिपीटेड हो गए होंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आप लोग से नम्र निवेदन है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसे भी इस चैनल के बारे में रूबरू करवाएं, और थोड़ा सा मेरी भी मदद हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगता है लाइक देख के, अगर आप लोग वीडियो को थम्स अप देते हैं तो। ये देखिए, शंखो चौधरी का अनटाइटल्ड है, कुछ भी नहीं है काम में, कितना सिंप्लिसिटी फॉर्म है, बट देखने में एक सुकून, कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट काम देखेंगे, और मीडियम याद रखिएगा, स्टको, एल्युमिनियम सीट, ब्रॉन्ज, सीमेंट, सब में इन्होंने काम किए हैं। ये देखिए, शंखो चौधरी अनटाइटल्ड, और ये भी अनटाइटल्ड। ये सारे काम नेट पे अवेलेबल है, मैं कहीं से ये काम नहीं ला रही हूँ, मैं भी नेट से, कुछ बुक से, कुछ लाइब्रेरी से, जो मेरे पास कलेक्शन है वहीं से मैं ला रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ जाइए इंटरनेट पे, सर्च कीजिए, खुद भी थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए। ये देखिए, शंखो चौधरी का स्टैंडिंग फिगर है, 1950 से 1959 में ये काम बना है। देखिए, इनके काम मैं जितना अभी देखी हूँ, सर्च की हूँ, सारे काम में इन्हें 5, 6, 7, 8 साल तो लगे हैं बनाने में। तो इतना मेहनत करके अगर काम बनाएंगे तो काम तो अच्छा लगेगा ही, निखरेगा ही काम। ये देखिए, ये भी अनटाइटल्ड है, ये काम रिपीटेड है शंखो चौधरी का। मोना बेंद्रे पहले भी मैं ऐड की थी। ये शंखो चौधरी का अनटाइटल्ड 1990 का है। इनके कुछ एक दो पेंटिंग मुझे मिले थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ वो पेंटिंग भी शेयर करूँ, ताकि देखिए कि ये पेंटिंग किस टाइप से करते हैं, इनका स्टाइल क्या है पेंटिंग का। ये है शंखो चौधरी का पेंटिंग, जो कि अनटाइटल्ड है और 1950 में क्रिएट किया गया है। एक स्कल्पचर होने के बावजूद इतनी अच्छी पेंटिंग किए हैं, क्योंकि जब स्कल्पचर पेंटिंग करते हैं ना, तो उसमें एक स्कल्पचर वाली फील आती है, बट इनके काम में वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है शंखो चौधरी अनटाइटल्ड, ये पूरा एक सीरीज था, इसमें सेल डेट दिया गया है। ये प्रीवियस ईयर वीडियो है, इसे ज़रूर चेकआउट आप लोग कर ले। और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। ये काम झप गया है, शंखो चौधरी का है, अनफिनिश्ड मेलोडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, हैव ए नाइस डे।